हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कैसे पेपर से आप बिल्कुल बिना तेल के बाती से दिया जला सकते हो। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा, चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो ज्वाइन जरूर कीजिए। तो चलिए देर नहीं करते वीडियो शुरू करते जी हैं। हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे पेपर और पानी से दिए जला सकते हैं, वो भी बहुत ही लंबे टाइम तक, तेल और घी के बजाय काफ़ी लंबे टाइम की जलती रहेगी। तो चलिए इसका प्रोसेस क्या है, कैसे क्या करना है। हमने यहाँ पर एक टिश्यू पेपर ले लिया है। अब टिश्यू पेपर कुछ जैसे देखिए चार फोल्ड में होता है ना, उसी तरीके से आपको रहने देना है, ठीक है। अब एक टिश्यू पेपर से आप बहुत सारे दिए मतलब बाती बना करके तैयार कर सकते हो। अब देखिए हमें इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप कट कर लेना है। देखिए तो इस तरह की तैयारी आप दीपावली से पहले कर लेते हो ना, तो आप भी बिल्कुल फ्री होकर के रहोगे और मज़ा आएगा दीपावली एंजॉय करने में। क्योंकि दीपावली में बहुत सारे काम होते हैं, घर की साफ सफाई भी करनी होती है, घर को डेकोरेट करना होता है, उसके बाद दिया बाती भी करनी पड़ती है। तो इस तरह की छोटी छोटी तैयारी अगर पता होगा ना, तो कम खर्चे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब आपको इस तरीके से इसे ट्विस्ट करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये बाती बन के तैयार हो जाती है और काफ़ी लंबे टाइम तक जलती रहती है। देखिए तो इस तरीके से आप सारी बातियों को ट्विस्ट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी सारी बाती बना करके तैयार कर लिया है सिर्फ आधे पेपर से। ये देखिए तो बहुत सारे बन जाते हैं इस तरीके से। अब हमने पेपर की बाती बना ली है। अब चलिए आपको कॉटन वाले भी बाती बना करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो है ना जिस तरीके की बाती चाहिए उस तरीके आप बाती जो है ना आराम से बना सकते हो। जैसे आपको थोड़ा सा कॉटन को लंबा करके रखना है और देखिए बाती जो है ना बन करके तैयार हो जाती है। तो बाती जितना ज़्यादा अनठा हुआ रहेगा ना, जितना ज़्यादा टाइट रहेगा, दिए तेल जो है ना उतनी कम लगती है और ज़्यादा देर तक जलती है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा, ठीक है। अब हमने देखिए एक ले लेना है इस तरीके से, और ये जो हमने बाती बनाई है ना पेपर वाली, इसको इस तरीके से बीच में रखना है और इसे इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए हमें इन दोनों को मिक्स करके एक बाती हमने तैयार की है। तो सारे आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ, जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से आप अपने दीपावली में घर की तैयारी कर सकते हो। देखिए कितनी सारी बाती हमने बना करके तैयार कर ली है। अब चलिए एक गोल वाली भी बाती तैयार करते हैं। ये भी पानी में बहुत ही अच्छे से जलने वाली है। ये देखिए तब हमने बहुत सारी बातियां तैयार करी। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है दोस्तों, वैक्स ले लिया है, वैक्स को तोड़ करके आपको इस तरीके से दिए में रख लेना, ठीक है। अब चलिए इसको पिघलाते हैं, आग पे रखना पड़ेगा इसे पिघलाने के लिए। तो आप जब भी इस तरीके से बाती तैयार करते हो ना, तब मिट्टी के बर्तन में इसे पिघलाइए। होता क्या है कि मिट्टी के बर्तन जो है ना, एक पर गर्म होने में टाइम लगता है, लेकिन ये ठंडा होने में भी टाइम लगेगा आपको। मतलब आप पिघलाओगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, यानी कि जमेगा नहीं, और आराम से जो है ना बाती तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसे पिघला लेते हैं। देखिए हमने गर्म होने के लिए रख दिया है इस तरीके से। तो आपके पास जो भी पुराना मोमबत्ती बचा हो, जो भी बैग्स है ना, उसको आप ले लीजिए और इसे इस तरीके से मिट्टी के दिए में पिघला लीजिए। अगर आपके पास बड़े बर्तन है तो बड़े बर्तन में भी अच्छे से इसे मेल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मोमबत्ती जो है ना अच्छे से पिघल चुका है। अब इतने गर्म रहेगी ना दिए, कि जो धीरे धीरे करके अपने आप ही सारी की सारी पिघल जाएगी, क्योंकि मिट्टी के बर्तन काफ़ी देर तक गर्म रहती है। अब मैं इसे अच्छे से उतार ले रही हूँ। देखिए थोड़ा गिर गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मोमबत्ती बिल्कुल पिघल के रेडी है। अब हमने जितने भी तरह की बातियाँ तैयार की ना, इन सबको हम इसमें अच्छे से डीप कर लेंगे, बिल्कुल पिघले वाले में ही। ये देखिए थोड़ा सा आप चाहे तो चम्मच की हेल्प ले लीजिए, अच्छे से डीप कीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये देखिए
मतलब आधे कप दिए थे ना मोमबत्ती, उससे हमने कितने सारे बाती बना करके तैयार कर लिया है। अब ये बहुत ही जल्दी मतलब जम जाएंगे, यानी कि सेट हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से हार्ड हो जाएगी। ये फिर हमारी बाती जो है ना बन के तैयार हो चुकी है, ये हार्ड भी हो चुकी है, जम चुकी है। अब चलिए देखिए कैसे पानी से दिए जला सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए दिए में पानी भर लेंगे, देखिए हमें बिल्कुल पानी भर लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें बाती, ये देखिए अब मैंने एक पेपर वाली डाली है, अब दूसरा मैं एक कॉटन वाली भी डाल दे रही हूँ। आप चाहते हो कि ये तो जलेगी ही, परफेक्टली जलेगी, लेकिन आप चाहते हो कि कुछ देर और तक जलती रहे, तब आप इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर, थोड़ा थोड़ा हम और इसमें तेल भी ऐड कर दे रहे हैं। देखिए बहुत ही कम हमने तेल डाला है इसमें, देखिए। अब चलिए मैं आपको जला करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है पेपर वाली बाती और ये है कॉटन वाली बाती। ये देखिए कि दोनों कितने अच्छे से जल रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा फर्क कि कौन से जो है ना पेपर के बाती बने हुए हैं, कौन से कॉटन के बाती बने हुए हैं। इतने अच्छे से दोनों सेम वर्क करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। आपके पास कॉटन ही है तो आप इस ट्रिक को भी आजमा सकते हो। ये देखिए और कितने अच्छे से जल रहे हैं, जितना देर चलाइएगा उतनी देर ये अच्छे से जलती रहेगी, बिल्कुल पानी में तैर रही है। यदि ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, तो आप इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया, हमें ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ ये आइडिया तो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, कम खर्चे में अच्छे से घर को डेकोरेट करने का। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये आइडिया आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो ट्राई ज़रूर कीजिए।